पिछले गन्ने और में चांद तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले किसी सांसद ने इतना सोचा नहीं था कि खेल को बढ़ावा देना चाहिए, लाइब्रेरी खोली गई, गाजीपुर का पहाड़ हटाया गया। ये काम के ऊपर कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। कॉन्फिडेंस में तो वो बैठे हुए हैं जिन्होंने यूपी में जाके एक बयान दिया कि यहाँ का जो युवा है वो तो नशे में रहता है। तो भारत टूटा कब था जिस भारत को जोड़ने चले हैं? धारा 370 भाजपा की सरकार ने खत्म करी और जम्मू कश्मीर को जोड़ा है। जहाँ 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 राहुल गांधी जी जा रहे थे वहाँ वहाँ सरकार गिर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस नारे को सिद्ध करेगा। कथनी से ज्यादा करनी में विश्वास है, इसीलिए अब की बार तो 400 पार का आंकड़ा तो पूरा होगा ही होगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि किस तरह 2024 के चुनावों के पहले जो राजनीति चल रही है देश की, उसमें तमाम मुद्दों को लेकर इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या रोड मैप है, क्या फुटप्रिंट है भाजपा का आने वाले चुनावों को लेकर। क्या लग रहा है चुनावों के पहले जिस तरीके का माहौल देश में बना हुआ है, कहीं ना कहीं आप लोग भी बाइक रैली निकाल रहे हैं, जनता तक जा रहे हैं, जनता तक अपनी उपलब्धियां पहुंचा रहे हैं और 5 साल का प्लान बता रहे हैं। क्या लगता है 5 साल जो आने वाले हैं उसमें और क्या प्रगति कर सकते हैं, भाजपा क्या देने वाली है जनता को? जिस तरीके से अभी पिछले टेन्योर बीता है, 2014 से पहले की अगर मैं बात करूं तो कितने IIT कितने IIM थे वो सबको पता है। 2014 के बाद 7 IIT 7 IIM 16 IITs और 300 ITI अभी खुल चुकी है। 300 यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो चुका है शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ, और हम पिछले टेन्योर में चांद तक पहुंच चुके हैं। और इसी कार्य को प्रगति देते हुए 2 टेन्योर जिस तरीके से बीते हैं, आज भारत का युवा अपने आप को एक उस स्थान पे मानता है कि अगर हम विदेश भी जाएंगे ना तो भारत का झंडा अगर हमारे साथ लगा हुआ है ना तो हमें कुछ नहीं होगा कभी भी। तो उसी चीज को आगे बरकरार रखते हुए फिर दोबारा ये सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार का हम लोगों का संकल्प है और वो पूरा होकर रहेगा। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र है ये, यहाँ से हम लोगों का संकल्प है कि कम से कम 4.5 लाख वोटों से ऊपर से हम यहाँ से जिता के भेजेंगे। अच्छा, गौतम गंभीर यहाँ से सांसद रहे थे, क्यों टिकट काट दिया? क्या लगता है कहीं ना कहीं काम में कमी रही थी या कोई और मुद्दा है? उनके काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज है उन्होंने करी, EDPL का जो एक निकाला युवाओं के लिए, आज से पहले किसी सांसद ने इतना सोचा नहीं था कि खेल को बढ़ावा देना चाहिए। 1 रुपए वाली जो रसोई है वो अभी भी चल रही है, लाइब्रेरी खोली गई, गाजीपुर का पहाड़ हटाया गया। तो उनका टिकट काटा नहीं गया, उन्होंने खुद ही बोला था, खुद ही उन्होंने, आपने ट्वीट भी देखा होगा कि उन्होंने खुद ही ट्वीट किया कि मैं अब जो है अपना आगे का समय अपना क्रिकेट में दोबारा से देना चाहता हूँ, कमेंट्री में जाना चाहता हूँ, तो मुझे इस जगह से थोड़ा सा भी फ्री किया जाए। 400 पार का बात कर रहे थे आप, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि 400 पार नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, मैच फिक्सिंग कर लिए चुनावों के पहले, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। ये काम के ऊपर कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव का इंतजार नहीं करता, चुनाव हो या ना हो वो अपने बूथ स्तर पे प्रत्येक दिन जनता के साथ मिला रहता है और उनके कार्य को कराने में लगा रहता है। ये वो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में तो वो बैठे हुए हैं जिन्होंने यूपी में जाके एक बयान दिया कि यहाँ का जो युवा है वो तो नशे में रहता है। क्या लगता है इस तरीके के बयान देने की क्या जरूरत पड़ी जाती है चुनावों के पहले, जब आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं भारत के युवाओं से जोड़ना चाहता हूँ और उसी समय एक बयान देते हैं कि भारत जो उत्तर प्रदेश के युवा है वो नशे की ओर जा रहे हैं, नशेड़ी है। क्या लगता है इस तरीके से भारत जोड़ पाएगा कभी? मैं तो पहला एक सवाल राहुल गांधी जी से सीधा सीधा ये पूछता हूँ कि भारत टूटा कब था जिस भारत को आप जोड़ने चले हैं? धारा 370 भाजपा की सरकार ने खत्म करी और जम्मू कश्मीर को जोड़ा है, आज जाके भारत पूरा एक हुआ है। तो आपकी यात्रा सिर्फ आप नाम देते हो, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, कोई न्याय नहीं। 3 तलाक का कानून भाजपा सरकार ने हटाया, न्याय इस सरकार में मिल रहा है। आपकी सरकार में किस तरीके से न्याय मिला, युवाओं का क्या हाल हुआ, सबको पता, इकोनॉमी क्या चल रही थी। भारत जोड़ो यात्रा करी राहुल गांधी ने, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी उन्होंने, कहा जो नफरत के बीज नरेंद्र मोदी ने बोए थे वहां मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आ रहा हूँ। क्या लगता है मोहब्बत की दुकान खोल पाए वो? पहली बात तो कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, भारत तोड़ो यात्रा थी। जहाँ 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 राहुल गांधी जी जा रहे थे वहां वहां सरकार गिर रही थी उनकी और ना बन रही थी। तो राहुल गांधी जी इज नॉट अ मटेरियल, आप देखिए ना उनके बयानबाजी देखिए, कल मैं देख रहा था मैनिफेस्टो रिलीज में, वो तो हमने दिखा रहे थे कि वो पप्पू है। तो ये सब बेकार की बात है। भारतीय जनता पार्टी देश में पुनः सरकार बना रही है, प्रधानमंत्री जी एक बार 400 पार का नारा लेके चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस नारे को सिद्ध करेगा, सिद्ध करेगा। क्या लगता है मैम जिस तरीके लोग बाइक यात्रा निकाल रहे हो, भाजपा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आज से 44 साल पहले, क्या लगता है 44 साल हो गए नरेंद्र मोदी का 10 साल का शासन रहा, कैसा रहा 10 साल का कार्यकाल पहले, इसके बारे में आप बताइए। देखिए जो लहर आप देख रहे हैं ना वो लहर वाकई में ही सच है, क्योंकि मोदी जी ने जो जो वादे किए थे अपनी सरकार को लेके पिछले 10 सालों में उन्होंने वो वादे पूरे करके दिखाए हैं। तो हमारी और हमारी पार्टी की और मोदी जी की नीति यही है कि हम कथनी से ज्यादा करनी में विश्वास रखते हैं। तो वो बात हो रही है फेथ की।
तो फेथ देखिए लोगों को दिखता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, मोदी सरकार है तो सब मुमकिन है, इसीलिए अब की बार तो 400 पार का आंकड़ा तो पूरा होगा ही होगा। जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, चाहे वो युवा मोर्चा के हो, महिला मोर्चा के हो, सारे लोग एकजुट होकर 400 पार लाने में जो जनता का सहयोग चाहिए भाजपा को, कहीं ना कहीं वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।